यहाँ के डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस वर्कर्स, लैंड ओनर्स, सीजनल्स ने यहाँ की रियासी आवाम की बेलूस खिदमत की है। सरकार बार बार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। साहिबा मखलूस सरकार ने हमारे हवाले से एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई और रिकमेंडेशन उसने तैयार की, फिर कुछ खुदगर्ज मिनिस्टर्स ने उसको सब उठाज किया। आज मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरबराही में जो सरकार बनी है, उन्होंने बजट सेशन के दौरान यह फैसला किया कि हम एक हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से एक मुलाजिम दोस्त पॉलिसी मरतब करेगी। अभी तक 2 माह गुजर गए हैं, कोई पॉलिसी सामने नहीं आई, कोई ऑर्डर नहीं हुआ है पॉलिसी के हवाले से, हाई पावर कमेटी के हवाले से। हम सरकार से यही मुतालबा कर रहे हैं डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से, नीड बेस वर्कर्स, लैंड ओनर्स, सीजनल की रेगुलराइजेशन के हवाले से एक पॉलिसी फ्रेम की जाए। अगर रियासी सरकार ने आज फिर हमारे साथ धोखाधी करने की कोशिश की, हमें हमारे साथ नाइंसाफी हुई, तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आने का। आज हमारा जो सेक्रेटरी घेराव का प्रोग्राम है, जम्मू में हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, उन्होंने तमाम हेड ऑफिसों को बंद कर दिया है, वहाँ घेराव है। और हमने आज जो श्रीनगर में है सेक्रेटरी घेराव प्रोग्राम दिया है, 12:30 बजे हमारे सभी जो जवान है, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस वर्कर्स, लैंड ओनर्स कंसोलिडेटेड, ये सेक्रेटरी को चारों तरफ से घेरेंगे। आज हमारा सेक्रेटरी घेराव प्रोग्राम है और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, न रियासी सरकार को चैन से बैठने देंगे जब तक हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं किया जाए। मेन नहीं जाएगा, वो मेन नहीं जाएगा, किसी को शिपयार्ड जाना है मुगल रोड से जो ट्रक्स निकलेंगे। नहीं, मैं कहता हूँ एक्विजिशन है ना, उसमें भाई नेगोशिएशन या जैसे भी करेंगे मदद करेंगे उसमें, तो इट शुड बी डन एज क्विकली एज पॉसिबल। इस हिसाब कर लीजिए।